जो 17th बीपीएससी के लिए हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट 7 है, मॉडर्न हिस्ट्री और एनसीईआरटी के पार्ट हम लोग रहे होंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम हो सकते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का प्रारंभ निम्नलिखित द्वारा किया गया? तो एक इसमें क्वेश्चन में ही एक आपको और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि पर्दे को एंशिएंट इंडिया में क्या कहा जाता था? यवनिका कहा जाता था। और इंडिया में लेकर के आने वाले कौन से लोग हैं? तो ये यूनानियों की देन। थिएटर्स वगैरह इसके पहले भी इंडिया में होते रहे हैं। भरत मुनि साहेब ने नाट्यशास्त्र लिखा है, तो पांचवा वेद भी कहा जाता है। हाउएवर जो भी आपको रंगमंच अभी भी आप देखेंगे होता है, तो उसमें कुछ सीन के बाद अगर आपको सीन वगैरह चेंज करना होता है तो बीच में पर्दा आ जाता है और उतने देर में पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जाता है। हाउएवर ये चीजें हम लोगों ने लर्न की है आपको किन लोगों से? तो ये हम लोगों ने सीखा है यूनानियों से। यूनान में होमर के द्वारा लिखे गए दो बैलाड या दो लोक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, एक ओडिसी है और दूसरा इलियाड है, जो 7वीं या 8वीं शताब्दी में बीसी में लिखी गई हैं। 7th और 8th सेंचुरी BC में ये लिखी गई हैं और इन्हीं का मंचन बार बार वहां किया जाता था। और 4th BCE में जब अलेक्जेंडर के नेतृत्व में यूनानी इंडिया पर पहली बार आते हैं आक्रमण कर, तो भारतीय उपमहाद्वीप वाले लोग उनसे क्या सीखते हैं? यही कि कैसे आप रंगमंच में आप पर्दे या यौनिका को यूज करते हैं। उसके अगले में देखेंगे चार संवतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। शक संवत अगर आप देखेंगे कनिष्क का है 78 AD का। इसके अतिरिक्त गुप्त संवत की अगर आप बात करेंगे तो गुप्त संवत है आपको 319 या 320, जो भी एग्जाम में दिया हो। चंद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चलाया था, जो कि एक गुप्त शासक थे। हिजरी संवत माना जाता है 638 का। ये एक इस्लामिक कैलेंडर है और ये लूनर बेस्ड कैलेंडर है। इसमें दिन की गणना या काल की गणना किससे की जाती है? सूर्य से नहीं की जाती है, चंद्रमा के आधार पर की जाती है। और वही ग्रेगरियन कैलेंडर है जो पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा दिया गया है और इसका कालखंड है 1582। ठीक है, तो अगर ये ईयर आप नहीं भी याद रख रहे हैं, याद रख रहे हैं तो सच अ गुड थिंग, लेकिन फिर उस हिसाब से अगर आप अरेंज करेंगे ना तो यू विल फाइंड कि डी वुड बी द राइट आंसर। उसके अगले में देखेंगे भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां पर ली है? तो कुशीनगर में लिया है। कुशीनगर कहां पर है? तो ईस्टर्न यूपी में है। और किसी चुंद नाम के व्यक्ति के यहाँ खाना खाते हुए फूड पॉइजनिंग से माना जाता है कि मृत्यु हुई है। उसके अगले में देखिए आजीवक कौन थे? तो पहला चीज तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो आजीवक सेक्ट है ना, इसकी स्थापना की गई है मखली गोसाल के द्वारा। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ये दुनिया का पहला आपको नास्तिक दर्शन है और ये व्यक्ति बहुत समय तक ये महावीर स्वामी के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया हुआ है। हाउएवर डिस्प्यूट होने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी दी है जो है नियतिवाद। और नियतिवाद का कहना है कि ईश्वर या कोई भी कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक्चुअली में ये फेट होता है जो डिसाइड करता है कि आपके साथ लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, ठीक से अगर पढ़ेंगे तो 17th BPSC में इस नियतिवाद को आपको नहीं झेलना। ठीक है, तो अगर महावीर स्वामी के अगर ये समकालीन होंगे तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध क्या थे? ये दोनों भी समकालीन थे। तो ये देखिए महावीर स्वामी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन गौतम बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, तो फिर ये बौद्ध भगवान बुद्ध के भी समकालीन रहे। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी आप आंसर देते हैं। गुप्त काल के समय के एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर कौन थे जो मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने इवन जीरो वगैरह को भी इन्वेंट किया है और सन सेंट्रिक सोलर सिस्टम
सेंट्रिक सोलर सिस्टम भी बताने वाले कोपरनिकस से काफी पहले ये व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, आर्यभट्ट। ठीक है, और सौभाग्य की बात यह है कि ये यही पटना के निवासी। उसके अगले में देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा गया? ठीक है, नोआखल्ली तो सर वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी आपको आजादी के पूर्व रह रहे थे दंगों को रोकने के, वेस्ट बंगाल है। और किसान गुरिल्ला आंदोलन अगर देखा जाए ना, तो स्वतंत्रता के पहले 1946 वगैरह में तेलंगाना क्षेत्र में जो वामपंथी दल हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा था कि यहाँ पर एक आंदोलन का संचालन किया जा रहा था। बहुत सारे वामपंथी दल नहीं चाहते थे कि देश एक राष्ट्र के तौर पर डेवलप करे, बहुत सारे इसमें से ये भी मानते थे कि राष्ट्र बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए। रीजन यही था कि उनमें से अगर 50 टुकड़े होंगे, कांग्रेस चूंकि उस समय बहुत स्ट्रांग पार्टी थी, तो अगर कोई यूनियन बनेगा तो ओवरऑल कांग्रेस ही रूल करेगी। एनसीईआरटी में देखेंगे कि एक सटायर दे रखा गया है कि पक्ष भी उस समय कांग्रेस था, विपक्ष भी कांग्रेस था, कहने का मतलब कि कांग्रेस मैक्सिमम सीटें जीतती। तो अगर 50 टुकड़ों में अगर आप देश को बांटेंगे ना, तो हो सकता है किसी 4-5 टुकड़ों पे मेरा भी राज आ जाए, और ऐसे ओवरऑल एक बड़ा अगर देश बनेगा तो कभी भी मेरा राज नहीं आएगा। ठीक है, ये भी कुछ ऐतिहासिक फैक्ट है जो कई बार आपको छुपा लिया जाता है। हाउएवर ये तेलंगाना आंदोलन था 1946 का था, और इसमें किसान जो है सो कि गुरिल्ला पद्धति के द्वारा आपको आंदोलन का संचालन। हंटर कमीशन, वर्धा आयोग, विश्वविद्यालय का अधिनियम, राधाकृष्णन आयोग, ये सब के सब शिक्षा से संबंधित हैं। हंटर कमीशन देखिए 1882 का है, विश्वविद्यालय का अधिनियम आपको 1904 का है, इसके अतिरिक्त वर्धा योजना 1937 की है, और राधाकृष्णन आयोग जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनके नाम पर जाता है, ये 1948 का है। ठीक है, जब मैच करने जाएंगे तो 4-3 हो गया, फिर 2-1 हो गया। उसके अगले में देखिए, गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज ट्रस्टीशिप। मंदिर वगैरह में देखेंगे ना कि ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के कोई मालिक नहीं होते, क्या भगवान के मालिक ऐसे भी इंसान तो हो ही नहीं। तो मंदिरों का संचालन आप देखेंगे ना कि ट्रस्ट के आधार पर किया जाता है, और ट्रस्टीशिप का ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया गांधी जी ने। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी, उनका कहना था कि जो गरीब आदमी है वो इसीलिए गरीब है क्योंकि अमीर आदमी उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, और अगर इस व्यवस्था में सुधार लाना है तो गरीब आदमी को क्या करना होगा, सर्वहारा क्रांति करनी होगी, और जब तक अमीर आदमी को मारा नहीं जाएगा वो तब तक क्या करेगा कि प्राकृतिक संसाधनों पर उसका आधिपत्य, उसका वर्चस्व बना रहेगा। गांधी जी का मानना था ना कि नहीं, अमीर आदमी का भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, एक्चुअली में वही व्यक्ति है जिसको वेल्थ जनरेशन की क्रिया आती है, और वेल्थ कभी भी जनरेट किया जाता है तो ईसाई का एक दर्शन है कैल्विनवाद, जो या एडम स्मिथ की भी अवधारणा आप देखें तो ये लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने लिए भी काम कर रहे हैं ना, सेल्फिश होके तो बुरी चीज नहीं है, अगर आप कारखाना खोलने के लिए अपने लिए तो बहुत अच्छी चीज है, आप अपने सेल्फिश होकर के कारखाना खोल रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें 10 लोग काम करेंगे, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सिमिलरली गांधी जी मानते थे ना कि ट्रस्टीशिप के तहत अमीर आदमी को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है, बस अमीर आदमी ये चीज समझ जाए कि जो उसके पास धन अर्जित उसने किया है वो प्राकृतिक संसाधनों के ही दोहन से किया गया है, जिसके ऊपर पूरा समाज का क्या है कि आपको अधिकार है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो भी धन वो एकत्र कर रहा है उसको पर्सनल प्लेजर्स के लिए, व्यक्तिगत मौज मस्ती के लिए खर्च ना करे, उसको समता मूलक समाज बनाने के लिए क्या करे, समाज के कल्याण के लिए खर्च। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा से क्या होता है कि जो पूंजीवादी समाज है ना वो समतावादी समाज में बदल जाता है। उसके अगले में देखिए, 1914 के में बर्लिन में एक इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना की गई थी। अपने आप में 3 क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी, तो इंडियन नेशनल पार्टी, कहां स्टैब्लिश किया गया, बर्लिन, किस ईयर, तो 1914, और करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो चंपक रमन पिल्लई साहेब, आगे जाकर के लाला हरदयाल वगैरह, बरकतुल्ला वगैरह भी इनसे जुड़ते। उसके अगले में देखिए, कामागाटा मारू क्या है, क्या ये आर्मी का यूनिट है, क्या किसी हार्बर का नाम है, क्या किसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का नाम है, बल्कि ये जहाज का, नेवल जहाज का नाम है। 1914 में गुरुदत्त नामक एक
पंजाबी व्यक्ति थे जो पंजाब से 376 व्यक्तियों को कनाडा वैंकूवर की यात्रा पर लेकर के जाते हैं। और वैंकूवर कहां पर है? तो कनाडा में है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि ये कामागाटा जो जहाज है वो कहां जा रहा था, तो कनाडा जा रहा था। कनाडा में भी किस एग्जैक्ट जगह पर, तो वैंकूवर, या कभी कभी तो वैंकूवर भी। एक जहाज था जिसको कि कनाडा सरकार को ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में आकर के इस जहाज को कभी भी अपने बंदरगाह पर आपको उतरने की अनुमति नहीं दी गई और इस बंदरगाह को रिटर्न होना पड़ा, इस बंदरगाह इस जहाज को रिटर्न होना पड़ा। इस जहाज को हायर करने के पीछे का मकसद यही था कि इंडियंस को ले जाया जाए और दिखाया जाए कि अगर आप स्वतंत्र तरीके से रहेंगे तो आप उतना ही अच्छा फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे जितना कि कनाडा के लोग करते हैं। तो ये क्या था? एक जहाज था। पाडूंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है? पाडूंग सम्मेलन पहला चीज तो जानेंगे ये कहाँ हुआ था, तो जावा द्वीप पर हुआ था। पाडूंग कहाँ है? जावा द्वीप पर है। और जावा द्वीप किसका हिस्सा है? तो ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। यहाँ पर जो बाडून सम्मेलन हुआ था इसको आपको एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसमें इसी चीज पर आम सहमति बनी कि ये जो छोटे छोटे देश हैं, जो नए स्वतंत्र देश हैं, इनको किसी भी ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना तो अमेरिका का पक्ष लेने की जरूरत है, ना तो रशिया का पक्ष लेने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये लोग अपने लिए अपना एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट रुख अख्तियार कर सकते हैं अगर बहुत से ऐसे कमजोर देश इंडिपेंडेंट तरीके से यूनाइटेड होके। तो इसी ने आगे चल के गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी और इस बाडूंग सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में नहीं? Which of the following monuments in India is not on the UNESCO's list of World Cultural Heritages? अगर यूनेस्को के वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेजेज में अगर आप आ गए तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक फंड भी मिलेगा, वहां पर ज्यादा टूरिस्ट भी आएंगे, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? ये आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के भी पहले जिले का नाम औरंगाबाद होता था लेकिन अब इस शहर का नाम सौभाग्यवश संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये आपको विश्व सांस्कृतिक विरासत में है। हम्पी जो कि आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हुई है वो भी है। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपको असम में है, जो पिग्मी हॉक या रॉयल बंगाल टाइगर या राइनो या हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको असम में है और ये भी विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? काशी विश्वनाथ मंदिर। हालांकि इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ साहब की जो सरकार है बहुत अच्छा सा एक कॉरिडोर बना। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखेंगे ना कि अगर आपसे मानस वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाए ना तो ये कहां पर है, तो ये आसाम में है, और अगर रॉयल मानस पूछा जाए ना तो ये उसी से लगा हुआ जो भूटान है उसमें। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मानस है आपको कहां पर? तो आसाम में, और अगर रॉयल मानस बोला जाए तो ये आपको भूटान में। किस समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुटों गरम दल और नरम दल के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए? तो ये सबको पता है, लखनऊ समझौते के अंतर्गत जो कि 1903 का था, नरम दल और गरम दल एकत्रित हुए हैं एक साथ उन्होंने एक मंच पर, ताकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए वो डिवाइडेड ना हो, और इन दोनों पक्षों ने एक साथ चलना स्वीकार किया है। और इस समझौते को लाने में एनी बेसेंट साहिबा और माननीय बाल गंगाधर तिलक साहब जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराती है लेकिन लालच को नहीं। ये लाइन आप इन्वायरमेंटल इथिक्स के लिए अपने मेंस आंसर में भी लिख सकते हैं, दैट अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये माननीय महात्मा गांधी साहब।
निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई? तो आप लोगों को पता होगा कि शायद कोई त्रिपुरी क्राइसिस थी, उन्नीस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस साहेब को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इन्होंने हराया किनको था, तो पटाभी सीतारमैया साहेब को हराया था, जो आगे चल के कांग्रेस के ऑफिशियल पीएम भी बनते हैं, गांधी जी के व्यक्तिगत पसंद भी थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहेब के जीतने के बावजूद गांधी जी धमकी देना शुरू कर देते हैं कि हम कांग्रेस छोड़ देंगे। सुभाष चंद्र बोलते हैं कि नहीं, आप ही रहिए कांग्रेस में, आपकी देश को ज्यादा जरूरत है, हम पार्टी से निकल जाते हैं। और वो पार्टी से निकल के एक नया दल बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती, सफलता कुछ बहुत नहीं मिलती। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो साबरमती आपको पता ही है, गुजरात में सेवाग्राम आश्रम भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, फिनिक्स आश्रम भी एस्टैब्लिश किया है। हाउएवर विश्व भारती जो है ना, इसको राष्ट्रीय महत्व के आपको इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया है और ये एस्टैब्लिश किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी। उसके अगले में देखिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार? राजगोपालाचारी साहब तो गवर्नर जनरल थे, इनका कुछ बहुत लेना देना नहीं था। जवाहरलाल नेहरू साहब, बस एक कश्मीर मामले को इनके अंतर्गत रखा गया था और आप अभी तक देख सकते हैं कश्मीर को, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्मार्टली हैंडल नहीं किया। तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए जिस व्यक्ति को आपको क्रेडिट देना चाहिए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस व्यक्ति की अगर 3,000 करोड़ रुपए की कोई प्रतिमा बन जाती है ना, तो इसको लेकर के भी लोग ह्यूमन क्राइम मचाने लगते हैं कि इस आदमी की क्यों इतनी महंगी प्रतिमा। ठीक है, अगर आपको बगल वाले गांव में जाने के लिए ना, 550 रियासतों का मतलब समझ लीजिए कि आपको अपने बगल वाले गांव में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लग जाता ना, उस दिन आपको सरदार पटेल का महत्व पता चलता है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उनको भारत रत्न भी दिया गया और उन्हीं के निजी सचिव थे वीपी मेनन साहब। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का नाम ऑप्शन में आप ढूंढ रहे हैं और वीपी मेनन साहब का है, तो आप वीपी मेनन साहब को ऑप्ट करेंगे। याद रखेंगे, देश में दो मेनन साहब रहे हुए, एक वीपी मेनन रहे हुए, एक कृष्ण मेनन रहे हुए। कृष्ण मेनन गलत कामों के लिए चर्चा में रहते हैं, 1962 के इंडो चाइना वॉर में जब हम लोगों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की गलत स्ट्रेटजीज थी, उस समय वो भारत के रक्षा मंत्री था। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया, तो कब लड़ा गया? देखिए क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है, 1767 से 69, उसको मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जो ये जो युद्ध लड़ा गया है वो किस संधि के द्वारा आपको क्या किया गया है, खत्म हुआ है? तो ये मद्रास की संधि। उसके अगले में देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1780 से लेकर के 84 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला है। और अगर वारेन हेस्टिंग साहब का अगर आप कार्यकाल देखेंगे ना, तो ये व्यक्ति 1772 से लेकर के 1785 तक रूल करता है। आप देखेंगे कि ये जो कालखंड है ये इसी लंबे कालखंड के आता है, तो राइट आंसर वुड बी डी। उसके अगले में देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 1904 का ये एक्ट था, और अगर 1904 का ये एक्ट था तो इसको फिर लागू करने वाले कौन व्यक्ति रहा होगा? तो करजन रहा होगा, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले साहब भारत का औरंगजेब भी बोलते हैं, और बंगाल के विभाजन की जो कुत्सित योजना थी वो भी इसी व्यक्ति के द्वारा गई थी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहेब को वैलेंटाइन चिरौल ने बोला, और 6 उसने महाराष्ट्र के केसेस बताए, और 6 केसेस के आधार पर उन्होंने बताया, इस व्यक्ति ने बताया कि बाल गंगाधर तिलक एक्चुअली में भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसी व्यक्ति पर केस करने के लिए 1918 में बाल गंगाधर तिलक साहेब लंदन चले गए हैं। ठीक है, वहां पर इस व्यक्ति पर मुकदमा दायर किए हैं, फिर वापस इंडिया भी आए हैं। और अंतोगत्व अंग्रेजों के राज्य में आपको न्याय तो मिलेगा नहीं, तो ये केस तो अंतोगत्व हार गए हैं, लेकिन वैलेंटाइन चिरौल को इन्होंने 2 सालों तक इंडिया में रोक करके रखा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर केस एक बार यहां भी फाइल किया गया तो उसकी सुनवाई कहां होगी? भारतीय आपको न्याय क्षेत्र में होगी, राइट? तो भारतीय शांति के जनक आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। उसके अगले में देखिए, नौजवान भारतीय सभा को किन्होंने एस्टैब्लिश किया है? तो ये सरदार भगत सिंह साहब का एस्टैब्लिश किया गया है, और इसके पीछे का मकसद ये था कि जो भी युवा वर्ग है उसको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए या अंग्रेजी राज्य के खिलाफ आपको तैयार करना, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना, और ये खुद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो आने वाले जो भारत का एक खाका होगा, जो गोल्डन इंडिया होगा आने वाले समय में अंग्रेजों के पास, तो उसको किस आधार पर चलाना है, इसका एक खाका तैयार करने के लिए सरदार भगत सिंह साहब ने नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया। ये भी याद रखेंगे कि 1921 में इसका उद्घाटन किया गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग, किस भारतीय साम्राज्य के विलय के लिए व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को नहीं फॉलो किया गया? और ये डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स लेकर के आने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो डलहौजी था। लेकिन पंजाब का विलय इसके अंतर्गत नहीं किया गया था। हाउएवर झांसी आप लोगों को पता ही है, सतारा एक आपको वहीं पे महाराष्ट्र में ही रियासत है, और जिसका पेशवाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस था, नागपुर वहीं पर है। तो इन तीनों का विलय किया गया था व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर, हाउएवर पंजाब का विलय नहीं किया था। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे एंशिएंट इंडिया के, और इसके अतिरिक्त आपको मॉडर्न इंडिया के।